राजेश जी और प्रदीप जी, आप दोनों जो हैं, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आपके चैनलों का धन्यवाद, जो आप पार्डर के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले को हमारी आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले पिछले 4-5 दिनों से पाडर किश्तवाड़ रोड बंद है, पाडर पांगी रोड बंद है, जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गुलाबगढ़ मार्केट में आप देखें, खाने पीने की सारी चीज़ें जो हैं कम हो चुकी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोई संजीदगी से काम नहीं कर रही है। मैं अभी वहाँ सपाट से होके आया हूँ और मैंने देखा जिस किस्म का काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हफ्ता 10 दिन तक भी ये काम फाइनल होगा। राजेश जी, वो भी सरकारें थी जिन्होंने किश्तवाड़ से लेकर पहाड़ को काट कर हिमाचल में गाड़ियां पहुंचाई, वो भी सरकारें थी जिन लोगों ने उस वक्त भी रोडें बंद हुई थी। आपको मैं याद दिला दूं, असर बगर में जो रोड बंद हुई थी, कंटिन्यू एक हफ्ता डेली एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अधिकारी वहां आकर उस रोड को जो था खोला गया था। लेकिन आज मैं हैरान हूं, कोई मतलब ही नहीं है, जिस किस्म का काम चल रहा है तो कुछ कहने की बात ही नहीं। वो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? एडमिनिस्ट्रेशन के जो बड़े अधिकारी वो कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। वो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने मचेल यात्रा में, मैं दाद दूंगा डीसी अशोक शर्मा साहब को, जिन्होंने मात्र कुछ दिनों में कुंडेल का पुल बनाकर यात्रियों के लिए तैयार किया। आज या तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इन लोगों का काम नहीं कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे जो यहाँ लीडर हैं, खास करके मैं सत्ता पक्ष के लोगों की बात करूँगा, ये क्या कर रहे हैं? या तो इनका कोई सुनता नहीं है या फिर इनको सुनाने की जांच ही नहीं है। मैं बड़े उत्सुक से कहता हूँ कि अगर काश आज अगर जम्मू कश्मीर में सरकारें होती थी तो ये दिन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पिछले कई सालों से जो हम पर ज़बरदस्ती तानाशाही सरकार थोपी गई है, तो कोई ऑफिसर किसी का काम नहीं करता है, तो मैं किस आकर दोष किसको है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर डीडीसी है, कोई काम मतलब है होता ही नहीं है। सब यहाँ आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी तो आकर होता क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से रोड थोड़े बने, बोल्डर तो मशीनों से ही टूटेंगे, लेकिन वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। मशीन है लेकिन ना के बराबर है। मैं अभी 9-10 बजे वहाँ से ही होके आया हूँ, तो अब कहने का मतलब है कि हमारी पुरजोर अपील है और गुजारिश भी रहेगी कि कम से कम इस रोड को जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि यहाँ का व्यापार, यहाँ का कारोबार, यहाँ का जो आम जान ऊपर वाला ना करे कि कल जैसे एक हमारे यहाँ गढ़ मसू पंचायत में एक लड़के की डेथ किश्तवाड़ में हो गई थी, वहाँ के से तो एम्बुलेंस मिली लेकिन उसको यहाँ कैसे लाया जाए। उस वक्त मैं यहाँ पार्डर बीएमओ साहब का धन्यवाद करूँगा जिसको हमने फ़ोन किया और तुरंत उसने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी। एम्बुलेंस तो वहाँ पहुँची लेकिन जब वहाँ से वो डेड बॉडी इधर शिफ्ट करनी पड़ी, वो लोग जानते हैं जिनके घर में बेचारों को पहले ही मातमदारी हुई थी, लेकिन वहाँ से उठाकर 1.5 किलोमीटर लाकर उसको इधर लाया, कितनी बदकिस्मती की बात है। ऊपर वाला ना करे, अगर कोई बीमार हो जाएगा तो वहाँ तो बहन जो बेचारे वहाँ लेबर हैं हमारे गुजर भाई, अगर वो ना हो तो वहाँ तो कोई सिस्टम चलने वाला ही नहीं है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार पुनः दोबारा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम हमारे साथ पार्डर और पांगी के साथ इंसाफ किया जाए। पांगी के यहाँ क्या कहते हैं, सोल छंडीरी नाले में भी आप देखें, कई दिनों से आप मीडिया कर्मी तो वहाँ उसको कवर भी कर चुके हैं, कई दिनों से ग्रिफ की जो क्या कहते हैं नाइंसाफी की वजह से, ग्रुप की गुंडागर्दी की वजह से उस रोड को भी तबाह करके रखा और ज़बरदस्ती उस रोड को बंद करने के साजिश, ताकि पार्डर पांगी का जो है कारोबार ना चले। तो बाकी आगे जो है हमारे सीनियर लीडर रवि जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का गर्जो गए पड़ी, हमारे पार्डर का जो किश्तवाड़ गुलाबगढ़ और गुलाबगढ़ से पांगे नेशनल हाईवे एक हफ्ते से बंद पड़ा है।
ये तो सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है 2-3 महीने यात्रा अभी होती है तो इनका ये शुरू हो जाता है कि यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होती है। तो मुझे समझ नहीं आती है कितना फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ की सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो, या प्रांशल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे डी काम जो जम्मू में हैं उनकी जिम्मेदारी है यात्रा को सुचारू ढंग से चलाने की। लेकिन तजुब की बात है कि इन्होंने दावे तो बड़े बड़े किए थे कि नहीं जी हमने सारी तैयारी कर रखी है यात्रा को चलाने के लिए, तो इनके पोल जो हैं ये खुल गए, इसमें रोड जब ब्लॉक हो गई तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि ग्रिफ का अपना काम है, ग्रिफ की जिम्मेदारी है किश्तवाड़ से गुलाबगढ़ और गुलाबगढ़ से संसारी तक की रोड को देखभाल करना, उनको हदायत देनी होती है एडमिनिस्ट्रेशन को कि किश्तवाड़ से लेके गुलाबगढ़ तक हर 10 किलोमीटर पे आपकी एक मशीन होनी चाहिए, एक जेसीबी होनी चाहिए। तो इस वक्त इनके पास एक भी मशीन नहीं है वहाँ पे, और काम जो वहाँ चल रहा है बिल्कुल स्लो धीमी गति से चल रहा है। राजेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या इससे पहले रोडें ब्लॉक नहीं हुई हैं? क्या इससे पहले लैंडस्लाइड नहीं आती थी? आती थी, लेकिन प्रशासन जो है वो मतहरक रहता था, वो 24 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लेता है या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। आज हफ्ता हो गया और यही गति अगर एडमिनिस्ट्रेशन की चलती रही जिस गति से आज वहाँ काम चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि 10-15 दिन के अंदर अभी रोड खुलेगी। इस वक्त जो यहाँ सिचुएशन है, जो हमारे पास जो फोन कॉल्स आ रहे हैं कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में इस वक्त यात्री हैं यहाँ पे, यहाँ दुकानों पे राशन खत्म हो गया है, यहाँ पे मेडिसिन खत्म हो गई है, यहाँ पे और चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो मैं अर्जी एडमिनिस्ट्रेशन से इसमें इंटरफेयर करें इस पे कि भाई यहाँ पे या तो हेली सर्विस लगाई जाए, जो बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं इस वक्त रोडें बंद हैं, जो अगर कहीं इमरजेंसी पड़ गई तो कम से कम उसके लिए हेली सर्विस यहाँ से उनको डायरेक्ट किश्तवाड़ में लिया जाए, या जो सामान की इस वक्त किल्लत यहाँ पे है, सब्जी है दूसरी चीज़ें हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी आबादी है पाडर की। तो मैं सीधे अलजी साहब से गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि वो इंटरवेन करें, इसमें हदायत दें इनको, एडमिनिस्ट्रेशन को मतहरक करें, जल्द से जल्द रोड खोलें, और यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं, जो इस वक्त जो दिक्कतें आ रही हैं, कम से कम हेली सर्विस, जो इमरजेंसी केसेस हैं, इस वक्त एम्बुलेंस जो है डायरेक्ट नहीं जा सकती है किश्तवाड़, तो कम से कम जो लोग पेशेंट हैं, जो बीमार हैं, या जो जिनको और कई दिक्कतें हैं उनको, उनके लिए जो है हवाई सर्विस प्रोवाइड की जाए, ताकि दिक्कतें जो है हमारी यात्री जो चल रहे हैं उनको दिक्कतें ना आए। इस वक्त आप देखिए ये क्या कहते हैं हमारा, अब चलो यात्री इधर से, दूसरा रूट हमारे पास था संसारी रूट से भी जम्मू जा सकते थे, लेकिन ये भी 1 महीने से बंद है, इस तरफ भी बंद है, इस तरफ भी बंद है। मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि कितनी लापरवाही है, आखिर ये हुआ क्या है इस डिपार्टमेंट को, क्यों ये जगह जगह रोडें बंद है, और इस वक्त में एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, पीएचई वालों को हदायत दी जाती है कि भाई यात्रा के 2-3 महीनों में पानी की कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, हेल्थ वालों को डायरेक्शन दी जाती है कि भाई जगह जगह आप दवाई का स्टॉक रखें, आरएनबी को दी जाती है गुलाबगढ़ से लेकर मचेल तक रास्ते की जिम्मेवारी आपको है, हर डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी दी जाती है कि भाई आपने अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इस यात्रा में जो हुआ ये तो पोल खोल दिए सीधा सीधा, हमारे जो रूलिंग अधिकारी हैं क्या करते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, उससे क्या होता है, इधर से आप कहते हैं नहीं जी हमने पाडर के लिए इतना कुछ कर दिया है कि अब हमको कुछ जरूरत ही नहीं है और कुछ करने की,
तो यही यहीं पे आपका पोल खुल जाते हैं कि आपने पार्टर के लिए क्या किया है, कितनी आप आपकी सुनवाई होती है, क्या आप यहाँ से आपके एमपी हैं, आपके मंत्री हैं, क्या आप उनको उनसे रابطہ नहीं कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आके इस पे बोलना चाहिए कि भाई हाँ कितने दिन तक हम इसको रोड को जो है ओपन करेंगे, ताकि लोगों को आश्वासन मिले। डीसी साहब को सामने आके इस पे बात करनी चाहिए कि नहीं जी अभी इतने दिन में हम रोड आपको खोल के देंगे। सब पार्टी वासियों को जय माता दी। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में ये बातें लाना चाहता हूँ। हमारे श्रीलाल जी ने, रवि जी जो हमारे सीनियर लीडर हैं, इन्होंने तो सब कुछ विस्तार से आपको समझा लिया है, लेकिन फिर भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन डीसी किश्तवाड़ के जहन में ये बात लाना चाहता हूँ और एलजी साहब के जहन में ये बातें लाना चाहता हूँ कि आपने यात्रा का दौरा खुद किया है। पिछले साल आप हेली सर्विस पे सीधा मचेल दरबार में पहुँचे। अभी हमारा पार्डर का युवा और पार्डर के दुकानदार बिल्कुल टोटल खजल हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दूर दरबार में सामान पहुंचाने के लिए कभी दिक्कत आ रही है इनको, क्योंकि आपके पास किश्तवाड़ और पार्डर के बीच में जो रोड टूटा हुआ है, पूरा सामान जो है वो दरबार में नहीं पहुंच पा रहा है। लिहाजा उनके जहन में ये बात लाना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लो। आपसे पार्डर पूछेगा आने वाले टाइम पे, आपने हमेशा पार्डर को यूज किया है, अभी आप कहाँ हो, क्यों आपके मुंह पे ताला लगा हुआ है? आप आलजी साहब के पास जाकर इस रोड का अर्ज नहीं कर सकते हैं? आप डीसी साहब के पास जाकर इस रोड का मुद्दा नहीं रख सकते हैं? तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, दोबारा ऐसा होगा तो हम पूरी अपने जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं या यात्रु यहाँ पार्डर में फंसे हैं, कुछ एक दो दिन में हम सीधा सड़क पे उतरेंगे और धरना प्रदर्शन होगा, तब एडमिनिस्ट्रेशन के जो जहन में ये बात आएगी। लिहाजा जय हिंद जय भारत।